हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे क्लियरली ऑफिशियल वेबसाइट में देख पा रहे हैं, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसियां निकली हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर। तो जैसा कि आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं, जूनियर इंजीनियर की टोटल आपकी यहां पे 257 वैकेंसी रहेंगी और मैकेनिकल की आपकी यहां पे टोटल 106 वैकेंसी फ्रेंड्स रहेंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा सिविल के अंडर कर रखा है, वो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा अपना मैकेनिकल में कर रखा है, वो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल के अंडर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या आपका एजुकेशन और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि कितनी आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और आपको यहाँ पे जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एज के लिए कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, और आपके जो यहाँ पे सिलेक्शन है उसमें आपकी कौन कौन सी स्टेजेस रहेंगी, किस बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी, और आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से लेके कब तक फिल होंगे। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एक भी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, ऑलरेडी अप्लाइड में जीरो है। तो कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है वो भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और लास्ट डेट आपकी कब रहेगी इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपन हम कर लेते हैं ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशन। तो दोनों के लिए जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपकी दोनों अलग अलग रहेगी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ से फ्रेंड्स डाउनलोड कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल वाली। यहाँ पे डायरेक्टली आपकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्मेट, और मैकेनिकल की भी आप यहां से कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। यहां पे जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, डायरेक्टली आपको लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रेंड्स दे दूंगा। तो चलिए अब यहां पे सेपरेटली डिस्कस करते हैं सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी 257 वैकेंसीज। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने अपना डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है इंस्टीट्यूट से, और वो जो आपका इंस्टीट्यूट है जहां से आपने अपना डिप्लोमा कर रखा है, वो आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए उड़ीसा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ। केवल वही कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए इन सभी पोस्ट के लिए, अगर आपका डिप्लोमा जो है इंस्टीट्यूट आपका जहां से आपने कर रखा है उस इंस्टीट्यूट से, वो इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए उड़ीसा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग से। अगर आपका डिप्लोमा जो है उड़ीसा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपका जो डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज है, उसका आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे फ्रेंड्स अपलोड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग ने आपको इशू किया होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जूनियर इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग के अंडर। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी रहेंगी 257, उनकी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज वो आपकी क्या रहेगी। तो टोटल आपकी जो यहाँ पे 257 वैकेंसी रहेंगी, इसमें से आपकी जो वैकेंसी हैं वुमेन के लिए वो आपकी 91 फ्रेंड्स रहेंगी, और रिमेनिंग वाली आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर जो आपकी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी रहेंगी 216 वैकेंसी रहेंगी, और जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे 73 वैकेंसी फ्रेंड्स रहेंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहां पे एससीबीसी के अंडर भी देख सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पे कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी एससीबीसी के अंडर, और एससी और एसटी कैटेगरी के अंडर जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वैकेंसीज की, वो आप यहां पे फ्रेंड्स क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे यहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहां पे मेल कैंडिडेट के लिए 36 वैकेंसी रहेंगी, और वुमेन के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी रहेंगी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, और जो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे 3 वैकेंसी फ्रेंड्स रिजर्व्ड रहेंगी। तो ये आपका यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जूनियर इंजीनियर के अंडर, जो कि आपकी टोटल वैकेंसियाँ 257 रहेंगी सभी कैटेगरी को मिला के। सिमिलरली आपका यहाँ पे फ्रेंड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी रहेगा जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल में, इसमें भी आपका सेम रहेगा, इसमें भी आपका जो डिप्लोमा है वो आपका यहाँ पे मैकेनिकल में होना चाहिए, और उस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए उड़ीसा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड
वोकेशनल ट्रेनिंग से केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और अगर आपका यहाँ पे जो डिप्लोमा है उड़ीसा स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग से आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो सेपरेट सर्टिफिकेट है जो यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग इशू करता है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, सेम रहेगा जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग में था। तो और आप यहाँ एक बात आप और भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका जो डिप्लोमा है वो आपका यहाँ पे रेगुलर मोड से होना चाहिए, डिस्टेंस मोड वाले जो आपके यहाँ पे डिप्लोमे रहेंगे वो कैंडिडेट यहाँ पे नहीं एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर, जिसमें आपके टोटल 106 वैकेंसी फ्रेंड्स रहेंगी। तो टोटल जो आपकी 106 वैकेंसी रहेंगी इसमें आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए वो आपके अनरिजर्व्ड के अंडर 63 रहेंगी, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर 20 वैकेंसी रहेंगी। सिमिलरली आप यहाँ पे SC BSC SC और ST का देख सकते हैं, और दिव्यांग कैंडिडेट का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 वैकेंसियां मेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी और 1 वैकेंसी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की रहेगी जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल के अंडर, और 1 पोस्ट यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन के लिए फ्रेंड्स रहेगी। और SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसियां फ्रेंड्स रिजर्व्ड नहीं रहेंगी जूनियर इंजीनियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर। तो ये आपका यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ्रेंड्स वैकेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। ये आपकी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियाँ यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी जो आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपकी स्टेजें रहेंगी वो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इन सिविल एंड मैकेनिकल के लिए दोनों फ्रेंड्स सेम रहेगी, केवल आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल के लिए डिफरेंट रहेगा। तो अब हम यहाँ पे एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, आपकी यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो एज फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं आपकी जो एज है 1 जनवरी 2019 तक कम से कम आपकी जो एज है 21 ईयर्स होनी चाहिए, इससे नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आपकी एज है वो आपकी 32 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे SC BSC SC या फिर ST या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 5 साल का अपर एज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि वो कैंडिडेट यहाँ पे 30 इयर्स तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और दिव्यांग कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल तक का एज का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि वो कैंडिडेट यहाँ पे 42 इयर्स तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ये सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए फ्रेंड्स एप्लीकेबल रहेगा, सेम रहेगा, आप दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी स्टेजेस आपकी यहाँ पे रहेंगी। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस आप यहां पे देख सकते हैं, जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो आपका यहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो आपका यहां पे टोटल 3 स्टेजेस के अंडर रहेगा। सबसे पहली स्टेज में आपका यहां पे मेन रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा कंप्लीट एग्जाम को करने के लिए। और एक बात आप यहाँ पे ध्यान दें, इसमें जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी यानी कि फाइनल जो आपका मेरिट डिसाइड होगा वो आपके यहाँ पे वेटेज 50% स्टेज 1 को दी जाएगी और स्टेज 2 को भी यहाँ पे रिमेनिंग फ्रेंड्स 50% दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है, रिटन एग्जामिनेशन जो आप देंगे उसको आपको यहाँ पे 50% वेटेज दी जाएगी, और जो आपने एजुकेशन अपनी क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें भी आपको यहाँ पे 50%, यानी कि हाफ सिलेक्शन जो है आपकी वो डिपेंड करेगी जो आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा इसमें आपकी कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और क्या आपका इसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले 100 मार्क्स का जो आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, सेकेंड और थर्ड ईयर में जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है उसका जो आपका सिलेबस रहेगा उसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस सिविल और मैकेनिकल का क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यहाँ पे आप समझ लेंगे कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर लेंगे तो 1 क्वेश्चन जो आपका सही होगा वो आपको यहाँ पे पेनल्टी पड़ेगी जो आपने यहाँ पे गलत क्वेश्चन फ्रेंड्स अटेम्प्ट किए होंगे। सिविल और मैकेनिकल के लिए दोनों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, केवल आपका सिलेबस जो यहाँ पे रहेगा 100 मार्क्स के लिए वो आपका यहाँ पे डिफरेंट रहेगा सिविल और मैकेनिकल के लिए। उसके बाद जो आपकी स्टेज 2 है करियर एवोल्यूशन,
इसमें आपकी 50% जो आपकी रिमेनिंग बचती है वो आपकी यहाँ पे वेटेज दी जाएगी हायर सेकेंडरी लेवल में, यानी कि जो आपने 12th में मार्क्स लिए हुए हैं 20% वेटेज उनको दी जाएगी, और डिप्लोमा में जो आपने मार्क्स लिए हुए हैं उसकी आपके जो परसेंटेज है वो आपकी फ्रेंड्स 30% दी जाएगी। टोटल यहाँ पे 50% आपकी प्रेफरेंस दी जाएगी जो आपने मार्क्स अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स स्कोर किए हुए हैं। उसके बाद स्टेज थ्री के अंडर आप यहां पे देख सकते हैं आपकी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, डिप्लोमा 10th 12th के जो भी आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स रहते हैं उनकी आपकी वेरिफिकेशन होगी, और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके रहते हैं उसकी आपकी वेरिफिकेशन होगी स्टेज थ्री के अंडर। तो यहां पर आप क्लियरली देख भी सकते हैं टोटल आपकी जितनी वैकेंसी है उसके 2 times यहां पे हर कैटेगरी के अंडर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो स्टेज वन और स्टेज टू दोनों को कंबाइन करके जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जितना भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पे फ्रेंड्स आपकी फाइनल सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर इन सिविल एंड मैकेनिकल के लिए फ्रेंड्स डिपेंड करेगी। तो बहुत ही यहां पे अच्छा सा प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया हुआ है। 50% आपको यहां पे जो आप पेपर देंगे उसको दी जाएगी, और 50% जो आपने मार्क्स अभी तक ले लिए हैं अपने डिप्लोमा और 12th में उसको फ्रेंड्स यहां पे आपको दी जाएगी। पैटर्न आपका दोनों के लिए सेम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जिसके भी अंडर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल या फिर सिविल के अंडर, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली जो आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में जो आपने अपने डिप्लोमे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है 100 marks के अंडर फ्रेंड से पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके कंप्लीट सब्जेक्ट्स रहेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ये जो सारे आपके सब्जेक्ट रहेंगे इसके अंडर आप अच्छे तरीके से टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर के लिए फ्रेंड्स पूछे जाएंगे। सिमिलरली आप यहां पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी देख सकते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पे ओपन करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जो जो सब्जेक्ट आपको यहां पे पूछे जाएंगे मेन रिटन एग्जामिनेशन में वो आप यहां पे देख सकते हैं, और अच्छे तरीके से टॉपिक भी आप यहां पे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से डाउनलोड करके। तो ये आपका कंप्लीट फ्रेंड्स सिलेबस रहेगा मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कितनी आपकी यहाँ पे फीस रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी एससी एसटी या फिर दिव्यांग कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और जो स्टूडेंट्स रिमेनिंग बचाते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ओबीसी वाले कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे 200 फीस जो है इसकी पे करनी है जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वीडियो में ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो जाएगी, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है फोन से कंप्लीट प्रोसेस वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, शुरू से लेकर फोटो सिग्नेचर को भी कैसे फोन से रिसाइज करेंगे और फोन से कंप्लीट फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो फॉर्म है अभी किसी ने भी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और 29 सितंबर 2019 को आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो आपके यहाँ पे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर वैकेंसियाँ निकली हैं जूनियर इंजीनियर इन सिविल एंड मैकेनिकल के अंडर, उसका कंप्लीट क्या एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी, कितनी आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।